कान्हा, वृक्षन पे पुनः हरियाली, ये पंछियन के चहचहावल ऐसा लगेला जैसे द्वारका पे पुनः बसंत आ गई लोके। जा रहल पूरा एक वर्ष के बाद आवेला पौष पूर्णिमा, तब अवसर मिलेला ऐसन स्वादिष्ट खीर बनावे के। कौनो भी मटका खाली ना हो पावे, हरि के भक्तन में केहू भी प्यासल ना रहे। और मदन तू जा और देखा सबका खातिर छाए के प्रबंध भइल की ना। अरे अरे रे वालो, कहां कतार में जा रहल बनी? अरे आहा, हाय हमार कमर तोड़ देलन ई लोग। हमार प्रिय द्वारिका वासी लोग, पौषा पूर्णिमा के वार्षिक शुभ अवसर पर रउआ सबके हार्दिक स्वागत बा। अभिषेक और पूजन के पश्चात रउआ सब राजकीय भोज खातिर आमंत्रित बानी। बोला सत्यनारायण महाराज के जय। महाराज के जय। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, नैवेद्यम समर्पयामि। इला और सब के हुमे भोग वितरित कर दे। हमरा सामने लीलस तो के खत्म कर दे। कहा बड़ा कृष्ण, हमरा सामने आवत कृष्ण, देखा कैसे हम मृत्यु के निर्वता भर देले बानी तोर द्वारका में। रेवती भाभी, रुक्मणी, रहुआ यह रह कि नाना श्री के ध्यान रखी और जब तक हम न कहीं तब तक ये शांत बैठल रही। रुकी, हम भी रहुआ संगे चलब। ना सत्यभामा, तोहार कोनो आवश्यकता नहीं खे, यदि आवश्यकता होगी तो हम स्वयं तोह के बुला लेब। दाऊ बाबा, रहुआ द्वारका वासियन की देखभाल करी। Thank you.
कृष्ण कहा बा हम ओकर वध कर दे। के बानी रहुआ? हम घंटा कर्ण बानी। ईता हमके दिखाई दे रहल बा, रहुआ अपना कान में इतना घंटा बंधले बानी, एकरा अतिरिक्त और कुछ कहला भी ना सकेनी रहुआ। रहुआ कहाँ से आयल बानी, का चाहत बानी? हम कृष्ण से घृणा करेनी। ईता बहुत ही महान कार्य कर रहल बानी रहुआ, घृणा के साक्षात मूर्ति बानी रहुआ। कृष्ण तो रहुआ समक्ष कुछ नहीं खे। चुप रहा, जहाँ भी केहू कृष्ण के नाम लेला हम ओके भस्म कर देनी। हमार कर्ण कृष्ण के नाम ना सुन सकेले। राउर घंटा के ध्वनि इतना ऊंचा बा कि स्वयं राउर की बुद्धि के बुद्धू बना दी हिलस। हम कुछ सुननी ना, राउर कान के घंटा के ध्वनि से कुछ सुनाई नहीं खे दे रहल। शांत हो जाई और बताई, केकर नाम नहीं खे सुने के चाहत रहुआ? कृष्ण के। केकर? कृष्ण के। तनिक ऊंचा स्वर में बोली। कृष्ण के, कृष्ण के, कृष्ण के। कुछ सुनाई ही नहीं खे दे रहल। बहरा बड़ा का सुनला ना, कृष्ण के, कृष्ण के। का कह रहल बानी रहुआ? तू हमके कृष्ण कहे पर मजबूर कैला, हम तो के छोड़ब ना। ई कान्हा का कर रहल बारे? एह तरह तक कान्हाओ के और उत्तेजित कर रहल बारे। कृष्ण काहे कुछ नहीं खन कर रहल? ऊ का करी है? हम होकती ते एक झटके में पिशाच के मार देती। तब फिर जा और मार के दिखावा। हमार उपास उड़ावत बाड़ा, ओकर परिणाम जानत बाड़ा। हम तू सब के समाप्त कर देव, तुहारे हास्य के रुदन में बदल देव। घंटा कर्ण, पहले हमार तलवार से टकरा, ओकरा पश्चात के हुआ और के धमकी हा। विख्यात शांत हो जा। विख्यात ना? देखा तोहर तलवार तो उ गई, अब तू आ जा। कान्हा पिशाच के हमनी से दूर तक लेके जा रहल बाड़े, परंतु स्वयं के घोर संकट में डाल रहल बाड़े। ई तो बहुत भयंकर बा, इसे निपटी है कैसे? भाभी जी, रवा चिंता मत करी, कृष्ण बाड़े ना उहा, विश्वास रखी, कुछ ना होखी। अभी शांत रही, महादेव से प्रार्थना करी कि कृष्ण ए पिशाच पर विजय प्राप्त करे। यदि हमके कृष्ण ना मिलल तो हम द्वारका द्वारका वासियन दुनो के भस्म कर दे। कान्हा, तू तो एक और अधिक खूंखार बना देले बड़ा। अब हमनी का करब? दाओ हम भी यह सोच रहल बानी, एक घंटा कर्ण की कैसे रोकल जाए। कान्हा, हम अब भी सब निखी देख सकत।
कान्हा, ई त हमनी के अनुमान से और अधिक बलि और विध्वंसक बा। ई त सत्य बा दाऊ। कान्हा, हमने एके नियंत्रण में कैसे ले आई? सोच रहल बानी दाऊ, तनी सोचे दी, कौनो न कौनो युक्ति त अवश्य मिली। आज ते ही पिशाच के समक्ष कान्हा और बलराम दोनों कुछ ना कर पा रहल बाने। अभी नीचे चल रहल, परंतु देखिए बाद में अवश्य चली चली चली। यदि पिशाच के चल गई तो हमनी सब तो हो गए नहीं न पल्ली पार। कान्हा, तो के का लगत बा ये घंटा कर्ण अपने आप से आइल बा कि केहू भेजले बा एके? रहुए बताई दाऊ, के हो सकेला हमने के हितेशी जे घंटा कर्ण के यहाँ भेजी? समझ गई नी कान्हा, ये उपहार भी मगध से ही भेजल गई बा। दाऊ, रहुए घंटा कर्ण के ध्यान कहीं और भटकाई, हम विज्ञात के देखत बानी। घंटाकर्ण, विख्यात 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 बहरावा, विख्यात बहरावा, महाराजा महाराजा विख्यात विख्यात, तू कुशलता बाड़ाना। बहुत पीड़ा हो रहा बा। मना कैले रहनी ना कि कृष्ण के संभाले दो, बाकी ना गैल रहला मित्र के नाक बचावे और खुद के गवाह आइला। अनर्थोखे वाला बा, कौन भाती नानश्री के रोकी? दाऊ शीघ्र, घंटा कर्ण यदि साहस बाता हमसे लड़ा, देखा वा अपन बल। कृष्ण सावधानी पूर्वक। ओ तू बड़ा कृष्ण, घंटा कर्ण सुन ले बानी, तू हमके मारे के चाहत बाड़ा? हाँ, हम ही उ कृष्ण बानी जेके तू ढूंढ रहल बाड़ा।
तुलाक शीश हिलाला, जल तो हर घंटा के ध्वनि शून्य कर दी। अब तू हमसे बच ना सकेला घंटा कर्ण, कब तक ऐसे ही पिशाच योनि में भटकत रहबा? अब भी अवसर बा, आपन इच्छा के पूर्ति करला, मुक्ति पाला। यदि तू चाहा तो हम तो हर सहायता कर सकेनी। कैसे? यदि तू हमके ई बता दा कि तोहके यहाँ हमरा तक लावे में के निमित्त बनल। शिशुपाल, एक वर्ष से अधिक के समय बीत गई बा, तो द्वारका वालन के हमनी कुछ ना बिगाड़ पाईनी। महाराज, हम भी प्रबंध में ही लगल रहली। इस बार हम ऐसन जीव ना, जीव ना, कहे सी कि उ तो जीवित ही नहीं खे, एगो पिशाच के लेके आयल बनी। उ युग युग से विष्णु के शत्रु बा, और जब से ओकरा के पता चलल बा कि कृष्ण विष्णु के अवतार बा, ओकर वध खातिर भटक रहल बा। कहा बाऊ पिशाच राज, रउआ कृष्ण के शत्रु। ना महाराज, उनाम कृ मत बोले, या ऐसन कही कि उनाम के बोला ही ना जा सकेला। यदि केहू भी कृष्ण के नाम लीलस त हम ओके भस्म कर दे। शाचराज, रउआ खातिर त एक क्षण के मार्ग बा, रउआ द्वारका नाम के वो समुद्री टापू पर चल जाएं। तोहार नियति ही तोके यहाँ तक पहुँचाले बा, एहे तोहार सदगति बा। हम तोहके तोहार पूर्व जन्म से जाने नी, जब तू कुबेर के सेवक रहला, और विष्णु अवतार राम से घृणा करे के कारण तू आपन कान में एक घंटा पहन लीला, ताकि विष्णु के नाम तोहार कान में ना पड़े। और ए जन्म में भी तू हमसे घृणा करेला, यही से तू यहाँ तक पहुँच गईल पाड़ा। बार बार ना चाह के भी तू हमार नाम पुकारेला और आपन कपाल हिलावेला, बाकी बाहर से हमार नाम तोहरा कान तक ना पड़े, परंतु भीतर जौन हृदय में कह रहल बा कृष्ण मत सुनिहा, मत सुनिहा कृष्ण। ओकर का करबा तू, बस इहे हमरा द्वारा तोहार उद्धार के कारण बन गईल। अब तू पिशाच योनि से मुक्त बाड़ा। स्वयं भवंतु सुखिना। श्री कृष्ण के जय, 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 श्री कृष्ण के जय। इस संसार में सबसे बड़ा विजय तब हो खेला जब रउआ आपन सबसे कठोर और विकट शत्रु के आपन प्रशंसक और अनुयायी बना लेनी। हमनी जैसे सबसे अधिक घृणा करेनी, ओकर नाम ना सुनने के प्रत्येक प्रयत्न में ओकर स्मरण सबसे अधिक करेनी। सुख और प्रसन्नता के जदि कोनो शत्रु बा, त उबा दूसरा से अपेक्षा। जदि रउआ दूसरा से अपेक्षा ना रखब, त दुख संताप के कारण कोनो दूसर बन ही ना सकेला। स्मरण रहे, जदि रउआ दुखी रहे के चाहत बानी, त संसार के कोनो व्यक्ति रउआ के प्रसन्नता ना दे सकेला। परंतु जदि रउआ खुश रहे के मन बना ली, त पृथ्वी के केहू भी अथवा कुछ भी रउआ से राउर प्रसन्नता छीन ना सकेला।
रउवा इसे विचलित होके काहे उठ गई नी? सब कुशल तब आना कृष्ण। नारायण नारायण, प्रणाम प्रभु। प्रणाम देव ऋषि। देव ऋषि, रउवा जोन संदेश देवे के बाद दी ही हमरा और सत्यभामा के बीच कोनो रहस्य नहीं खे। जैसन राउर आज्ञा प्रभु। प्रभु, देवलोक पर संकट के बादल छाइल बा। का भेल देवलोक में? माते, प्रभु के अतीत के दुश्मन पुनः प्रकट हो गइल बा और वो देवलोक पर आक्रमण कर देले बा। के पाड़े हो देव ऋषि? नरकासुर नाम हो कर और वो समस्त देवलोक में अराजकता फैला देले बा। नरकासुर अपन क्रूरता के समस्त सीमा लांघ देले बा। वो समस्त देवता लोक के अस्त्र शस्त्र हीन कर देले बा। समस्त देवता अपन प्राण के रक्षा खाती इधर उधर भाग रहल बने। देवलोक के कोष के रिक्त कर देले बा। वरुण देव के भी अपन सिंहासन से निष्कासित कर देले बा। ये सब हमार बा, हमार। इतने ना देव लोक के अप्सरा और गंधर्व कुमारी सबके भी बंदी बना देले बा। अब उनकर शील संकट में बा प्रभु। रउवे कुछ कर सके नहीं प्रभु, रउवे कुछ कर सके नहीं। ऋषिवर, रउवा अचानक मौन हो गई नी। ऐसन प्रतीत होकत बाकी रउवा कुछ बतावत बतावत रुक गई नी। माते, जैसन कि हम रउवा से पहले भी कहनी कि नरकासुर अपन क्रूरता के समस्त सीमा लांघ देले बा। वो समस्त देवता सब के माता के बंदी बना देले बा और राउर पूजनीय देवी देवी अदिति के कर्ण फूल भी छीन लेलक माता। कैसे देव ऋषि? स्वामी, हमनी के माँ अदिति के कर्ण फूल श्रद्धा पूर्वक लाके देबे के होखी। हम स्त्री होके के नाते ओ अप्सरा और वो स्त्रियन सबके पीड़ा समझ सकेनी और उनका उद्धार खातिर हम रउवा संगे चलब। क्षमा चाहत बानी प्रभु, क्षमा चाहत बानी, किंतु समस्त देवगण तो रउवा से ही सहायता के आशा रखे ले। देव ऋषि, एक कठिन समय में हम अपना स्वामी के बामन शक्ति बन के जाई सचारिणी और जब नारी जाति के सम्मान के प्रश्न बा तो हमार जैसे योद्धा शांत कैसे बैठ सकेले। किंतु प्रभु, नरकासुर के नगर प्रज्ञ ज्योतिषपुर अत्यंत ही दुर्गम बा। वहाँ के दुर्ग अनेक असुर द्वारा रचित सुरक्षा साधन से सुसज्जित बा। और तो और वो दुर्ग के सेनापति असुर मूढ़ वो तो अत्यंत भयावह बा प्रभु, अत्यंत भयावह बा। ऐसे में माता के वहाँ गए उचित नहीं खे प्रभु। महामुनि, जब मन बना लेले बाड़ी देवता लोग के सहायता करे के तब बाधा आवे दी, अभी से काहे विचलित होकी? और जब नियति इहे बा कि सत्य भामा के हाथ से कुछ शुभ होके वाला बा त हमनी रोके वाला के बानी? आवा भार्य।
प्रणाम प्रभु। चिरंजीवी रहा गरुड़ देव। नारायण नारायण। प्रभु राउर लीला अपरंपार बा, रउआ वास्त समस्त समस्या के समाधान बा। गरुड़ पर बैठ के रउआ पलक झपकते ही प्रज्ञ ज्योतिषपुर पहुंच जाए प्रभु। नारायण 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 नारायण। आवसत्य भामा। देव ऋषि नारद सत्य सूचना देले रहले, आतंक आरंभ हो गई बा। गरुड़ देव तनिक नीचे की ओर चली। सारंग सेनापति मूड के जय होके प्रज्ञा ज्योतिषपुर के सीमा में एगो विचित्र विशाल पक्षी पर सवार दू योद्धा आक्रमण कर देले बाड़े। उस सीमा सुरक्षा के सब प्रबंध तोड़ के नगर में प्रवेश कर गिल बाड़े। हम अपन विरोधियों के चकनाचूर कर देनी। द्वार से तब तक कोई भी व्यक्ति प्रवेश ना कर सकेला जब तक उसके सेनापति पीठ के प्रमाण पत्र ना मिल जाए। सैनिक लोग बंदी बना ला। जब वह यह रही हम उनके देखत बान। आदरणीय सेनापति पीठ जी करौवा अपन पीठ दिखाइब और हमनी के अपन स्वामी नरकासुर से भेंट करे जाय देव। ना पहले तो के उत्तर देवे के होखी तू सीमा के उल्लंघन कैसे कइलो। काहे कि राउर स्वामी नरकासुर के सीमा के अंत हो गइल बा और अब
उनकर भी अंत होके के चाही। हमार अन्नदाता खातिर ऐसा न अपमान सूचक शब्द, धृष्ट तू ना बचबा। नरकासुर कहाँ बाड़ा तू, हमरा समक्ष आवा। कृष्ण हमके आज्ञा दी कि हम 16,000 स्त्री और अप्सरा के लगे जाके उनकर सहायता करी। परंतु सत्यभामा, इतना विशाल महल में तू उनके कहाँ खोजबू, इस स्थान सुरक्षित नहीं। कृष्ण रउवा हमार सामर्थ्य और शक्ति पर विश्वास बाना, हम एगो योद्धा बानी और योद्धा के कायरता से संबंध ना हो खेला। जैसन तो के उचित लगे। स्वर्ग के अप्सरा लोग नरकासुर के दासी होखी हैं, 16,000 दासी के हम स्वामी। हमार प्रत्येक पग पर आपना चल बिछाई हैं स्वर्ग के अप्सरा लोग। इंद्र के घमंड के हम आपन पैर के नीचे रौंदब, वो इंद्र के हम भिखारी बनाई। तू भी बन गईलू अदिति हमार राज्य में कुछ समय खातिर हमार दासी। ये ध्वनि तो कुछ सुनल सा लग रहल बा, शीघ्र ही ये वज्रपात के अंत होखी। चला द्वार खोला। हमने के ए बंदी गृह से मुक्त कराई देवी, हमने के रक्षा करी असुरन से, ए दासता से मुक्ति दिलाई, नरकासुर के दुष्कर्म से बचा ली देवी हमने के। रउवा सब चिंता मत करी, कृष्ण आके रउवा सबके मुक्त कर दी है। रउवा सब धैर्य रखी, श्री कृष्ण हमने के संगे बाड़े। द्वार खोला, खोला ही द्वार। सैनिक लोग एक बंदी बना लो। रउआ सब चिंता मत करी, रउआ सब सुरक्षित बानी, समय आ गेल बा राउर पीड़ा के अंत के। के बा जे हमके हमार महल में ललकार रहल बा। कृष्ण तू हमके ललकार रहल बाड़ा, तू अपन मृत्यु के वरण देखल चाहत बाड़ा ना। पिछला बार तो तू मथुरा में बच गेल रहला, किंतु ए बार तुहार चिता हम अपनी दोनों हाथ से सजाई। नरकासुर, ए अप्सरा सब, गंधर्व कुमारी सब और नारी सबके सुरक्षित स्वतंत्र कर दा और देवता लोग के उनकर धन और वैभव पुनः लौटा दा। यही में तोहार भलाई बा, अन्यथा तोहार मृत्यु निश्चित बा। तो हमके चेतावनी देबे कृष्ण, ई नरकासुर के। ई चेतावनी नहीं खे नरकासुर, ई सुझाव बा, यदि ना मन बा त एकर परिणाम बहुत ही भयंकर होखी। तले सर्वप्रथम तू सद्गिनी के परिणाम भोग। कृष्ण बचाओ अस्त्र से।
कृष्ण काहे भुला जाले तू हमके मिलल सब शक्ति के सूची और तपस्या से कैल गैल वरदान के तुहार अस्त्र हमके ना मार सकेले हमके महादेव के वरदान प्राप्त बा। कृष्ण एगो स्त्री के अपन रक्षक बनावत बाड़े कायर हमार तो के मृत्यु के निद्रा में सुता दे तू देख देख हमार शक्ति कृष्ण इस सैनिक तो बहुत सारा बाड़े और ये हमनी ओरी बढ़ रहल बाड़े सत्य भामा सेना ही सेना से लड़े ले हमार ब्रह्मास्त्र विशैला नागपास अस्त्र कृष्ण सावधान हे शक्ति अवतरित होकर या कलह और शत्रुता खातिर दुगो की आवश्यकता हो खेला यदि रउआ ओमे से स्वयं के हटा ली तो स्थिति बदल जाई और स्मरण रहे कलह और शत्रुता पर विजय प्राप्त करे खातिर सबसे बढ़िया अस्त्र बा मौन जब विवाद बढ़त चल जाए तो शांत और मौन हो जाई और फिर परिणाम देखी विवाद समाप्त होके में तनिक भी विलंब ना होखी